गले में फूलों की माला, माथे पर तिलक और 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन। जम्मू में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है, जो अपने अंतिम पड़ाव पर है। 30 जनवरी को यात्रा का समापन कश्मीर में होगा। जम्मू में यात्रा के बीच से समय निकालकर राहुल गांधी एक बार फिर मंदिर दर्शन करने पहुंचे। दरअसल राहुल गांधी जिस मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे, वो कई मायनों में खास है और उसका पौराणिक महत्व भी है। जम्मू के रघुनाथ मंदिर में राहुल गांधी ने पूजा अर्चना की और संतों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने इस दौरान श्री रघुनाथ जी का आशीर्वाद लिया। सतवारी में जनसभा खत्म करने के बाद वो रघुनाथ मंदिर पहुंचे। इससे पहले राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों से भी मुलाकात की। यात्रा के दौरान राहुल गांधी के कई रंग और अंदाज देखने को मिल रहे हैं। कुछ अलग अंदाज में राहुल गांधी सोमवार को रघुनाथ मंदिर पहुंचे, शिवलिंग के आगे भोलेनाथ को प्रणाम किया और दूसरे देवी देवताओं को नमन करके वो फिर से अपने अगले पड़ाव के लिए निकल गए। राहुल गांधी ने रघुनाथ मंदिर में दर्शन किए, जिसके बाद भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा गया, मन में धारण किए आस्था और विश्वास, प्राप्त किया रघुनाथ जी का आशीर्वाद। आइए अब आपको कुछ जानकारी आस्था का केंद्र कहे जाने वाले रघुनाथ टेम्पल के बारे में बताते हैं और जानते हैं क्यों राहुल गांधी इस मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है और इन्हीं में सुप्रसिद्ध है रघुनाथ मंदिर। यह मंदिर न सिर्फ हिंदू धर्म की आस्था का बल्कि जम्मू की भी पहचान है। ये मंदिर अपनी कलात्मकता का एक विशिष्ट उदाहरण है। आपको बता दें कि रघुनाथ मंदिर भगवान राम को समर्पित है, जो उत्तर भारत के प्रमुख और अनोखे मंदिरों में से एक है। रघुनाथ मंदिर का निर्माण 1857 में महाराजा रणवीर सिंह और उनके पिता महाराजा गुलाब सिंह द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में 7 ऐतिहासिक धार्मिक स्थल मौजूद हैं। मंदिर के आंतरिक हिस्सों में सोना लगा हुआ है, जो तेज का स्वरूप है। मंदिर के भीतर दीवारों पर 3 तरफ सोने की परत चढ़ी हुई है। दावा किया जाता है कि मंदिर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। यही नहीं, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आने वाले भक्त भी जम्मू रुकने पर यहां दर्शन जरूर करते हैं। रघुनाथ मंदिर बाहर से 5 कलश नजर आते हैं, जो लंबाई में फैले हैं, जबकि गर्भगृह में राम सीता लक्ष्मण की विशाल मूर्तियां हैं। इसके अलावा एक कक्ष में चारों धाम के दर्शन और दूसरे कक्ष के बीच में भगवान सत्यनारायण के दर्शन किए जा सकते हैं।